Okay, today we'll study photoelectric effect. There are four major things in photoelectric effect. We'll write down first that. Photoelectric effect. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फोर मेजर थिंग्स, चार मेजर चीज है जो हम लोग को करना है, हम लोग लिखते जाता है. फर्स्ट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, द सेकेंड पार्ट इज फोर्स एंड प्रेशर. फोटोन जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे फोटोन कैसे क्या क्या होता है उसके साथ, तो ओके. थर्ड इज बहुत इम्पॉर्टेंट, डी ब्रॉगली वेव लेंथ. फोर्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो हम लोग जी एडवांस बोर्ड जैसे बच्चे हम लोग सबको कवर करेंगे इस सेशन में, तो बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी है. उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं. We'll add one. Okay. So first of all, in JEE Advanced, मैं JEE Advanced से स्पेसिफिक बात करूँगा. मैं सारे JEE Advanced से PYQs बना लेता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक के, तो आप भी बना सकते हैं. मैं बताता हूँ कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग क्या सीखना, पहले JEE Advanced में जो मेन चीज़ आता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक और फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी जो आइंस्टाइन ने हमें दी थी उससे आता है, राइट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे मेन आते हैं जिसमें हम लोग खाली इक्वेशन के साथ खेलना होता है, सिर्फ इक्वेशन के साथ, जैसे के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट कर देगा और के अरे यार ई वी नॉट कर देगा और ई वी नॉट को ही यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, एच सी वाई लैमडा माइनस फाइव. ये कैसे आएगा हम लोग बाद में सीखे, पहले ये हम लोग को इक्वेशन के साथ खेलना है, हम लोग को सिर्फ इक्वेशन के साथ खेलना, सिर्फ इक्वेशन. यहाँ पे हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन देख सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हम लोग को स्विच बन जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत है नहीं. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ठीक है, मेंस में क्या चाहिए, मेंस में आपको सारी थ्योरी करनी पड़ेगी, सारी की सारी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही. मेंस में बहुत ही ईजी ईजी आते हैं जो आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, बोर्ड्स वाले तो वैसे उड़ाएंगे हम लोग. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. थर्ड पेज, लेट्स स्टार्ट इट ऑफ. सो विल स्टार्ट विथ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, हैश टैग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ओके.